गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, योर सब्जेक्ट इज बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। यह प्रक्रम का है लर्निंग टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। आई एम गोइंग टू स्टार्ट यू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बताने से पहले सिस्टम आपको जानना होगा। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या, किसको सिस्टम कहते हैं, सिस्टम बनता है कैसे? मेनी ऑर्गन्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम। बायोलॉजी में बता रहा हूं, जीव विज्ञान में मेनी ऑर्गन्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम। बहुत सारे अंग एक साथ मिलकर के, बहुत सारे अंग एक साथ जब मिलते हैं तो मिलकर के सिस्टम या तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहां है क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां है आपको जानने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ सिस्टम नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए सिस्टम नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ सम रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच फॉर्मिंग सिस्टम आर फॉलोइंग। फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला जो है ना पार्ट है वह है नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल। इसको नेजल कैविटी भी कहते हैं, नेजल कैविटी नॉस्ट्रिल और नेजल कैविटी, ठीक, नॉस्ट्रिल और नेजल कैविटी ठीक। इससे पहले आप इसको टू सेकंड नंबर में कर दीजिए, इसको फर्स्ट नंबर में एक और लिख सकते हैं, ये सेकंड नंबर जो लिखे हैं फर्स्ट नंबर इसको कर दीजिए, नॉस्ट्रिल या नेजल कैविटी सेकंड में लिखिए। तो इससे पहले लिख दीजिए क्या, नॉस्ट्रिल और नेजल कैविटी से ही पहले आप लिख सकते हैं नोज, पहले लिखिए, सबसे पहले नोज से शुरू कीजिए सिस्टमेटिक वे में। फर्स्ट में लिखिए नोज, नाक से शुरू कीजिए नोज, फर्स्ट ऑर्गन हुआ रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, फर्स्ट ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट जो ऑर्गन हुआ वह नोज हुआ, नोज। और सेकंड में लिखिए अब नेजल कैविटी या नॉस्ट्रिल, जिसको कहते हैं नेजल कैविटी। और थर्ड में लिखा जा रहा है थर्ड, ठीक, जो हो गया वह ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप। और फोर्थ भी देखेंगे, फोर्थ में जो है ब्रंकाई पुलर है, सिमरल का होता है ब्रंकस के भी टू पार्ट होते हैं, इसका टू पार्ट, राइट ब्रंकस और लेफ्ट ब्रंकस। ब्रंकाई के बाद ब्रांचियोल्स ही होता था, ब्रांचियोल्स या ठीक ब्रंकाइस के बाद लिख सकते हैं क्या, लंग्स लिखा जाए लंग्स, और इसके बाद लंग्स के बाद आपको होगा डायफ्राम, लंग्स के बाद क्या होगा डायफ्राम, DIAPHRAGM डायफ्राम। ऑल ऑर्गन्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, आपको पढ़ना मानव श्वसन तंत्र, तो बतलाया थे सिस्टम पहले बतलाए और फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बतलाए, तो सो मेनी ऑर्गन्स कंबाइंड टुगेदर, सो मेनी ऑर्गन्स, द फर्स्ट ऑर्गन इज नोज, नोस्ट्रिल और नजल कैविटी, ट्रेकिया और विंड पाइप, ब्रोंकाई और ब्रोंकस, लंग्स और डायफ्राम, ऑल मीटिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ सिस्टम नोन एज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोन एज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए इसमें आगे क्यों बतलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इंटर थ्रू नोज एंड रीच टू एंड मूव्स ऑनवर्ड थ्रू नोस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी, थ्रू नोस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी। इन द केस ऑफ नोस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी अ वेरी फाइन बार्स लाइक हेयर प्रेजेंट इन इट, दी फंक्शन ऑफ हेयर इज टू फिल्ट्रेट ए स्मोक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, एनी पोल्यूटेड सब्सटेंसेस इन इट। नेजल कैविटी और नोस्ट्रिल्स हैज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ग्लैंड्स कॉल्ड म्यूकस ग्लैंड, कॉल्ड म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड सेक्रेट्स म्यूकस। द फंक्शन ऑफ म्यूकस इज दैट इट मॉइस्ट द हॉट एयर, इट हैज एबिलिटी टू मॉइस्ट द हॉट एयर एंड वार्म द ह्यूमिड एयर, वार्म द ह्यूमिड एयर एंड मॉइस्ट द वार्म एयर, ये दोनों फंक्शन है इसका, म्यूकस ग्लैंड का, म्यूकस ग्लैंड का जो म्यूकस सीक्रेट करता है नेजल कैविटी और नोस्ट्रिल्स में। ये फंक्शन बतलाया, फंक्शन समझना होगा क्या बोले से। इसके बाद ट्रैकिया और विंड पाइप, ट्रैकिया और विंड पाइप, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना होगा, तब इसका करके आपको दिखाएंगे और समझाएंगे, आसान होगा, सही होगा। तो सबसे पहले बनाते हैं आपको द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम स्केच करता हूं। इतना नोट करने के बाद, नोट कर लिया होंगे, हम साफ करते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ट्रैकिया, ट्रैकिया और विंड पाइप, ट्रैकिया और विंड पाइप, फिर ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, और लेफ्ट ब्रोंकस। इसके बाद हो गया लंग्स, लंग्स का मेम्ब्रेन,
विलंस का मेम्ब्रेन, एक लंग्स के मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लीयूरा, भरा हुआ इसमें फ्लूड रहता है उसको कहते हैं प्लीयूरल फ्लूड, सब प्लीयूरल फ्लूड, सब प्लीयूरल। ठीक, इस तरह से लंग्स हो गया। ठीक, बतलाया। और इसमें क्या, ये जो है एल्वियोलाई, इसमें भी एल्वियोलाई नाई और एयर, एयर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एस टी आर ऑफ का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, SYSTEM, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, और चलिए आपको बतलाए थे कहा, और इसमें जो है, ठीक इसे तो दिखाई दिए आप, चलिए देखा नो बतलाया थे नोज, तो नोज से नोज के द्वारा इंटर किया, नोज के द्वारा एयर जो है इंटर किया कहा, नजल पैसे जो नजल कैविटी के, नजल कैविटी में आया, और नजल कैविटी में भी बतलाया था आपको म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में, जो क्या करता है कि मॉइस्ट एयर को कर देता है वार्म अप, और वार्म अप एयर को कर देता है ह्यूमिड, यह उसका फीचर है, यह उसका है म्यूकस ग्लैंड का फीचर है। ठीक, उससे नीचे चलिए, उससे नीचे आइए, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बतला रहे हैं, दिस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैप्सिंग अगेंस्ट ना चेकअप दी एक्टिविटी ऑफ, या प्रिवेंट दी एक्टिविटी ऑफ कोलैप्सिंग दी ट्रैकिया, यह ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है, सिकुड़ने से बचाता है, सिकुड़ने नहीं देता है। एक फंक्शन हुआ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का, पूछता कभी कभी व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो द मेन फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इज दैट इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया बतलाया इसके बारे में, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में फंक्शन, और यह बना होता कार्टिलेज का, इसीलिए इसका नाम है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उपास्थि का बना होता है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होता है, ब्लड सप्लाई कम होता है। चलिए इसके बाद ब्रोंकस, द जंक्शन बिटवीन, इट इज ए जंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज ए जंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉल्ड ब्रोंकस, ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस, देन मूव्स डाउनवर्ड, मूव्स डाउनवर्ड इन लंग्स, लंग्स इज कवर्ड विद टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लीयूरा, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लीयूरा, और कहता है कि अ लिक्विड सब्सटेंस फिल्ड अप इन साइड द लंग्स कॉल्ड सब प्लीयूरल फ्लूड,
इनसाइड लंग्स एम्प्टी स्पेस मेनी एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन एज इट इज कॉल्ड एल्वियोलाई और एल्वियोलाई इज अ हॉलो स्ट्रक्चर बाय व्हिच एयर इज फिल्ड अप इन इट इट इज ए हॉलो स्ट्रक्चर बाय व्हिच एयर इज फिल्ड अप इन इट ठीक तो कहता है कि इसके बाद फंक्शन इज इसका स्ट्रक्चर कितना पार्ट राइट लंग का राइट अगर राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स राइट ब्रोंकस तो राइट लंग्स जो होता है वो होता है उसमें बड़ा हुआ तीन पार्ट में बटा रहता है तीन पार्ट में वन टू और थ्री इसको देखिए एक पार्ट दो पार्ट और तीसरा पार्ट दिखाए कि ऊपर वाला को कहते हैं सुपीरियर बीच वाला को मिडिल और भीतर नीचे वाला को इन्फीरियर तो यह बड़ा होता है क्या क्या होता है बड़ा होता है राइट वाला तीन पार्ट में बटा रहता है तीन भागों में सुपीरियर मिडिल और इन्फीरियर और लेफ्ट वाला होता है दो पार्ट में बटा रहता है और दो ही पार्ट में बटा रहता है इसको कहते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर सुपीरियर और इन्फीरियर यह हुआ जा करके स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की चर्चा हुआ ठीक इसके बाद और कुछ इसमें बतलाते हैं आगे थोड़ा सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा सा आगे बतलाते हैं ठीक कि अगर दी ब्लड पासेस थ्रू दी टिश्यूज ऑफ दी बॉडी चलिए कैसे से है ना ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड पॉइंट लिख रहा हूं कि ऑक्सीजनेशन पूछेगा कोई कि ऑफ क्वेश्चन है क्वेश्चन कि ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन अगर पूछे तो कि ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन इसका आंसर होगा लंग्स इसका आंसर क्या होगा आंसर होगा लंग्स एल यू एन जी एस लंग्स ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन लंग्स और गैसियस एक्सचेंज भी पूछे इन द केस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन तो लंग्स होगा गैसियस एक्सचेंज भी गैसियस एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन तो लंग्स ही जवाब देना होगा लंग्स दोनों है ना कौन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड और गैसियस एक्सचेंज बोथ टेक्स प्लेस इन लंग्स दोनों क्रिया लंग्स में पूरी होती है एक आगे चलिए इसके बाद जाकर के है पता है प्लीज नोट दैट ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन इनहेल्ड और एक्सहेल्ड द लंग्स ऑलवेज कंटेन सर्टेन रेसिड्यूअल वॉल्यूम रेसिड्यूअल वॉल्यूम के बारे में थोड़ा बतलाते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या है व्हाट इज रेसिड्यूअल वॉल्यूम इसको जानना होगा रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या है रेसिड्यूअल वॉल्यूम तो इन द केस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द केस ऑफ लंग्स एयर इज फिल्ड अप इन एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई ड्यूरिंग ऑक्सीजनेशन ड्यूरिंग गैसेस एक्सचेंज ऑल एयर्स आर नॉट यूटिलाइज इन दिस प्रोसेस बट सम अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स द अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स इज कॉल्ड रेसिड्यूअल वॉल्यूम वही है ठीक इसके बाद आगे चलिए ठीक अनदर पॉइंट इज टू बी नोटेड इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर कहा जा रहा है जी सो इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन दी डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड ठीक डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड और कहता है कि अब चलिए ब्लड के बारे में थोड़ा सा ब्लड कंटेंस एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट
ब्लड कंटेंट्स आर स्प्लिटरी पिगमेंट, दिस इज नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन इसके बारे में, इट इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इट इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इट हैज एबिलिटी टू ट्रैप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट हैज ऑलवेज अफिनिटी और एबिलिटी टू ट्रैप CO2, CO2, इट हैज मोर एबिलिटी टू ट्रैप CO2, बट इट हैज ऑल्सो एबिलिटी टू ट्रैप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन, ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन कंटेंस 12 to 14 or 16 15 to 18 में कितना जो है ना, ये अमाउंट होने चाहिए इसका, पता कि द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ ए हेल्दी एडल्ट पर्सन इज 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। ये बताइए, बताना चाह रहे थे कि ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन, ए नॉर्मल हेल्दी हेल्दी पर्सन, ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन हैज 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ऑफ ब्लड चाहिए इतना पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड आपको चाहिए, ऑफ ब्लड 12 to 18 ग्राम। ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन है 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। एक डेसीलीटर में एक सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति में 12 से 18 ग्राम नॉर्मल हेल्दी पर्सन है 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड होना चाहिए, ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इन अ ब्लड, इन अ ब्लड, इन अ ब्लड। ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन है 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन इन ए ब्लड। एक डेसीलीटर ब्लड में 12 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन काउंट होना चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में। दैट्स ऑल, आई एंड माय स्पीच, थैंक यू वेरी मच।